6 chapter 5 chapter 5 name is understanding elementary cell ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे ताकि ये चीजें सारी चीजें आप लोगों को समझ आ जाए कि एंगल क्या होता है क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल ये चीजें वगैरह ओके फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताइए कि लाइन क्या होती है ठीक है अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि लाइन तो लाइन क्या होती है बिल्कुल एक सीधी इस तरीके से ठीक है आप इस तरीके से लाइन खींच देंगे तो ये क्या हो जाएगी ये लाइन हो जाएगी ठीक है अगर मैंने बोला कि लाइन सेगमेंट मीन्स इस तरीके से मैंने लाइन बनाई ठीक है मैंने आप लोगों से बोला कि 5 सेंटीमीटर की आप लाइन ड्रॉ कीजिए ठीक है 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कीजिए तो आप स्केल उठाएंगे ठीक है स्केल से मेजर करेंगे कितनी 5 सेंटीमीटर ठीक है यहाँ जो पॉइंट होगा ये बताइए कि जहाँ 5 लिखा होगा तो वहीं पर तो आप लोग डॉट लगा के ये लाइन बना दोगे तो अगर जो फिक्स हो तो ये फिक्स है ना आगे ना पीछे मीन्स जितना 5 होगा आप उतनी ही तो बनाएंगे ठीक है अगर ये फिक्स है जो फिक्स लाइन होती है उसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं ठीक है मैंने आप लोगों को सिर्फ लाइन का बोला सिर्फ ओनली लाइन तो उसको लाइन बोलेंगे इसको लाइन सेगमेंट नहीं बोल सकते नेवर गॉट इट लाइन सेगमेंट क्या बोलेंगे जो फिक्स हो ठीक है अगर मैंने आप लोगों से 2 सेंटीमीटर लाइन बनाई है तो 2 सेंटीमीटर स्केल से आप 2 सेंटीमीटर बना देंगे स्केल से 2 सेंटीमीटर तो ये फिक्स है ना 2 सेंटीमीटर फिक्स है आप इसको ना बिग कर सकते ना स्मॉल कर सकते इसको बिग स्मॉल कर सकते बिकॉज ये लाइन है आप अपने हिसाब से बना सकते हो ठीक है लेकिन ये तो फिक्स है जो फिक्स है उसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट गॉट इट लाइन सेगमेंट आप लोग समझ आया होगा आई होप नाउ वी हैव टू नेक्स्ट पार्ट इज एंगल ठीक है अब समझते कि एंगल क्या होता है व्हाट इज एंगल ठीक है अब एंगल ये देखिए वन तो क्या होता है राइट एंगल ठीक है एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूस एंगल रिफ्लेक्स एंगल ठीक है स्ट्रेट एंगल कंप्लीट एंगल ठीक है तो अब इनको समझते हैं ठीक है एंगल राइट एंगल मींस जो 90 डिग्री होता है ठीक है राइट एंगल मींस जिसका मेजर कितना हो सिर्फ 90 डिग्री हो राइट एंगल क्या होता है 90 डिग्री ओके तो राइट एंगल जो इस तरीके से ये बिल्कुल सीधी लाइन और ये यहाँ पे ठीक है तो मतलब ये बिल्कुल सीधी लाइन स्ट्रेट ठीक है ये क्या होती है 90 डिग्री ठीक है इस टाइप सीधी लाइन और यहाँ पे ये कितना एंगल होता है 90 डिग्री का एंगल होता है इतनी बात समझ आई कितना होता है 90 डिग्री दिस इज राइट एंगल गॉट इट स्ट्रेट एंगल मीन्स 180 डिग्री कितना 180 डिग्री और स्ट्रेट एंगल में जो स्ट्रेट लाइन होती है इस तरीके से ये क्या होता है पूरा स्ट्रेट एंगल होता है ठीक है 180 डिग्री यही तो होता है 180 डिग्री ठीक है अगर ये देखिए ये 90 है हाफ 90 है ठीक है हाफ 90 है और जो इस साइड अगर मैं लाइन बना लूँ तो ये भी तो 90 रहेगा तो 90 और 90 कितनी होगा 180 होगा इसलिए पूरा जो होता है ना इसको स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री बोलते हैं अब बात आप लोगों को समझ आ गई होगी ठीक है कंप्लीट एंगल क्या होता है 360 जो कि कंप्लीट होता है ठीक है ये इस तरीके से हाफ या अब आप लोगों को ये 180 समझ आया 180 तो ये भी 180 रहेगा तो टोटल कितना हो जाएगा 180 और 180 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 360 दिस इज कंप्लीट एंगल ठीक है नाउ एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूस एंगल रिफ्लेक्स एंगल ठीक है एक्यूट एंगल क्या होगा ये होगा लेस देन 90 डिग्री ठीक है ऑब्ट्यूस एंगल क्या होगा ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा ग्रेटर देन 180 डिग्री गॉट इट इतनी बात समझ आई अब मैं आप लोग बताती हूँ कि एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूस एंगल रिफ्लेक्स एंगल बनाएंगे कैसे ड्रॉ किस तरीके से करेंगे अब आप लोगों को तो ये तो पता है कि 90 डिग्री मीन्स राइट एंगल किस तरीके से होता है ठीक है अब आप समझिए कि दिस इज राइट एंगल ओके दिस इज राइट एंगल अब मैंने बोला एक्यूट एंगल लेस देन 90 मीन्स 90 से कम होना चाहिए ना ये तो आप लोगों का क्या है 90 डिग्री है इतनी बात समझ आई ठीक है मैं आप लोग समझा रही हूँ ये कितना है 90 डिग्री ठीक है अगर 90 डिग्री से कम मीन्स लेस देन ठीक है यहाँ पे जहां भी एंगल बनेगा वो क्या होगा एक्यूट एंगल होगा गॉट इट 90 डिग्री ऑब्ट्यूस एंगल
ग्रेटर देन 90, मीन्स 90 से बिग होना चाहिए। तो मीन्स इस 90 के अप ऊपर जितने भी एंगल जाएंगे वो क्या होंगे, ऑब्ट्यूस होंगे। ठीक है, इतनी बात समझ आई। जैसे कि मैंने आप लोगों से बोला 90 से लेस एक्यूट होता है, तो मैंने बोला कि 50 डिग्री एंगल बनाए, तो 50 डिग्री एंगल जो बनाओगे तो 90 नहीं आएगा, 90 से लेस मिस यहाँ आ सकता है, जो आप लोग बनाओगे ना, ठीक है, ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे आ सकता है 50 डिग्री। तो 50 डिग्री क्या है, एक्यूट एंगल है। ठीक है, मैं आप लोगों को सिंपली ही बोल दूँ, 40 डिग्री बताइए ये कौन सा एंगल है। आप लोग ये बोलोगे ये तो 90 डिग्री से लेस है, तो आप क्या बोल दोगे, ये एक्यूट एंगल है। ठीक है, अगर मैंने आप लोगों से बोला 120 डिग्री, तो 120 डिग्री एंगल बताइए, ये 90 से बिग है, 90 से बिग होता है जो एंगल, वो कितना क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल होता है। गॉट इट, अब बात समझ आई। ठीक है, यहाँ पे एंगल एक्यूट मीन्स 90 ना होकर 90 से लेस होता है, ये क्या होता है, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, जो 90 ना होकर 90 से बिग होता है, ये क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, अब आता है क्या है, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल मीन्स ग्रेटर देन 180। ठीक है, 180 डिग्री आप लोगों को पता है क्या कितना होता है, 180 डिग्री, ये देखिए स्ट्रेट लाइन होती है, 180 मीन्स 180 से ग्रेटर जो होता है वो रिफ्लेक्स होता है। तो मीन्स ये देखिए, ठीक है, यहाँ देखिए ये 180 है, ठीक है, 180 से ग्रेटर, तो मीन्स वो और आगे भी तो जा सकता है। ठीक है, आगे भी तो जा सकता है, इतनी बात समझ आई। ठीक है, तो अब ये देखिए 180 डिग्री, मान लीजिए कि यहाँ से ये पूरा होता है, यहाँ लाइन ना खींच के अपन और आगे तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो मीन्स ये ग्रेटर हुआ। ठीक है, जो ग्रेटर होगा वो क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल होगा। 180 से ग्रेटर होना चाहिए, पूरा 180 नहीं होना चाहिए, 180 से जो ग्रेटर होगा वो रिफ्लेक्स होगा। ओके, वन टाइम और रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, राइट एंगल इज 90 डिग्री, स्ट्रेट एंगल बिल्कुल सीधा होता है, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, कंप्लीट एंगल मीन्स 180 टोटल 360। ठीक है, एक्यूट एंगल क्या होता है, लेस देन 90, ऑब्ट्यूस एंगल ग्रेटर देन 90, एंड रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन 180। गॉट इट, नाउ वी हैव टू नेक्स्ट पार्ट, परपेंडिकुलर। ठीक है, अब परपेंडिकुलर क्या होता है, अभी समझिए, परपेंडिकुलर मीन्स यहाँ पे जैसे कि कोई लाइन है, ठीक है, और इस लाइन पे से ये लाइन इस तरीके से बना देंगे, इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे, तो ये जो लाइन है ये क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, मीन्स किसी भी लाइन पर इस तरीके से लाइन बनाना उस पर, तो वो परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर, चाहे इस साइड हो चाहे इस साइड हो, इस लाइन पर अगर यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देंगे तब भी परपेंडिकुलर ही रहेगा। बिकॉज ये बताइए, अगर 90 डिग्री होगा तब ये परपेंडिकुलर, ऐसा नहीं कि आप यहाँ से करके कोई सी भी कहीं भी लाइन बना देंगे, नहीं, रोंग हो जाएगा। परपेंडिकुलर मीन्स ऑलवेज एंगल 90 डिग्री ही बनेगा। गॉट इट, ऑलवेज एंगल 90 डिग्री ही बनेगा, बस इतना दिमाग में रख लीजिए, इतना माइंड में आप लोग रख लीजिए कि परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री एंगल। ये देखिए बिल्कुल सीधी होती है, यहाँ 90 बन रहा है, यहाँ भी 90 बन रहा है। ठीक है, तब ये परपेंडिकुलर होगा। गॉट इट, नाउ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मींस, अब ये देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो परपेंडिकुलर तो हो गई ये लाइन और ये लाइन, परपेंडिकुलर तो है ही। बाइसेक्टर मींस होता है जो परपेंडिकुलर वाली जो लाइन है वो इस लाइन को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट मींस उसको डिवाइड करना, टू पार्ट में डिवाइड करना। तो मींस ये लाइन, ये नीचे वाली लाइन को टू पार्ट में डिवाइड करना, तो यही तो बाइसेक्टर होता है, मीन्स टू पार्ट में डिवाइड करना। तो मींस जो ए बी लाइन थी, इसको अपन ने नेम दे दिया ए बी लाइन थी, तो परपेंडिकुलर डाला तो ये क्यू पर इंटरसेक्ट थी, तो क्यू पर इंटरसेक्ट करने के बाद इसको टू पार्ट में डिवाइड कर दिया, मीन्स ए क्यू इक्वल क्यू बी। ओके, इतनी बात समझ आई, क्योंकि ये टू पार्ट में डिवाइड, पहले तो ये क्या थी, टोटल लाइन ए बी थी, ए बी टू पार्ट में डिवाइड हो गई, तो क्या हो गया, ए क्यू इज इक्वल टू क्यू बी। गॉट इट, अब अपन आते हैं ट्राइंगल पर। ठीक है, ट्राइंगल पर आते हैं, तो ट्राइंगल के कितने पार्ट होते हैं, थ्री पार्ट होते हैं, थ्री टाइप होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, अब ये समझिए। ठीक है, वन होता है
राइट ट्राइंगल, ओके। सेकेंड होगा एक्यूट ट्राइंगल, एंड थर्ड होगा ऑब्ट्यूस ट्राइंगल। ठीक है, थ्री ट्राइंगल होंगे, वन राइट ट्राइंगल, एक्यूट ट्राइंगल एंड ऑब्ट्यूस ट्राइंगल। ठीक है, अब जो राइट ट्राइंगल है, ठीक है, अब ये बताइए राइट ट्राइंगल, पहले जो अपन एंगल बता रहे थे, एंगल आप लोगों को समझ आएगा, राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, एक्यूट एंगल क्या होता था जो मैंने ही बताया, एक्यूट मीन्स लेस देन 90, ऑब्ट्यूस मीन्स ग्रेटर देन 90। ठीक है, तो राइट एंगल, राइट ट्राइंगल जो होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन क्या बना देंगे, राइट एंगल बना दिया। ठीक है, राइट एंगल से ही तो ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, और इसको मैच कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो दिस इज राइट ट्राइंगल। नाउ एक्यूट ट्राइंगल, एक्यूट ट्राइंगल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोग क्या बनाएंगे, एक्यूट एंगल बनाएंगे, एक्यूट एंगल इज लेस देन 90। ठीक है, तो 90 डिग्री बिल्कुल सीधा ना बनाकर थोड़ा सा कम, ठीक है, थोड़ा सा कम, और इसको इससे ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, अगर ये 90 डिग्री नहीं तो 90 डिग्री से कम है, लेस है, तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन 90। ठीक है, तो यहाँ पे इसको इस तरीके से बना देंगे, गॉट इट। अब क्या है ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस मीन्स, ऑब्ट्यूस क्या होता है, ग्रेटर देन 90। तो इस तरीके से 90 ना बनाकर आप लोग थोड़ा ज्यादा बनाएंगे, मीन्स ग्रेटर बनाएंगे। ठीक है, और इसको फिर इससे ज्वाइन कर देंगे, तो ये देखिए ट्राइंगल बन गया, बिकॉज अभी अपन ट्राइंगल रीड कर रहे हैं, तो ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। गॉट इट, कंप्लीटेड। नाउ वी हैव टू नेक्स्ट पार्ट। अब देखते हैं स्केल एंड ट्राइंगल, स्केल एंड ट्राइंगल, ओके। अब स्केल एंड ट्राइंगल मीन्स क्या होता है, जिसकी थ्री साइड, साइड तो थ्री होती है लेकिन डिफरेंट होती हैं, क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं, तो डिफरेंट थ्री साइड डिफरेंट, ठीक है, थ्री साइड डिफरेंट। ठीक है, आप लोग इसके अच्छे से नोट्स बनाना, ताकि ये आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है, और ये आप लोगों को आगे तक काम आएंगे, अगर आप लोगों ने इस वीडियो में सारे इंट्रोडक्शन को अच्छे से समझ लिया तो, ओके। स्केल एंड ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी मीन्स थ्री साइड तो होती है ट्राइंगल की, तो उसकी डिफरेंट होती है, ठीक है, डिफरेंट मीन्स कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी, हर साइड डिफरेंट ही होगी, तो वही उसको अपन क्या बोलेंगे, उसका नेम क्या रहेगा, स्केल एंड ट्राइंगल। ठीक है, तो इस तरीके से मीन्स बिल्कुल तीनों साइड डिफरेंट हो, ओके, मीन्स अपन कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, ओके। ये देखिए थ्री साइड डिफरेंट है, तो ये क्या होगा, स्केल एंड ट्राइंगल। ठीक है, मान लीजिए कि ये 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है, गॉट इट। दिस इज तीनों साइड डिफरेंट होंगी, तो दिस इज स्केल एंड ट्राइंगल। आइसोस्केल्स ट्राइंगल थ्री, इसकी देखो आइसोस्केल्स मीन्स ट्राइंगल है, ट्राइंगल है, थ्री साइड तो होगी और टू साइड इसकी डिफरेंट होंगी, सॉरी टू साइड इसकी सेम होंगी एंड वन साइड डिफरेंट होगी। ठीक है, आइसोस्केल्स ट्राइंगल टू साइड सेम एंड वन साइड डिफरेंट, गॉट इट। अब ये देखिए इस तरीके से ये ट्राइंगल बनाया, ओके, ये है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, टू साइड सेम, ये देखिए टू साइड सेम मैंने बोला है, तो टू साइड सेम है 5 एंड 5, और वन साइड डिफरेंट है, तो वन साइड डिफरेंट है, दिस इज आइसोस्केल्स ट्राइंगल, गॉट इट, समझ आ रहा है। ठीक है, इन चीजों को अगर अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है, तो आप लोग हर क्वेश्चन आप लोगों को समझ आएगा, और ऐसा ही नहीं कि आप 6th क्लास में पढ़ रहे हैं तो 6th क्लास में काम आएंगे, आप लोगों को ये 10th तक काम आएगा, अगर आप लोगों ने अभी अच्छे से इसको समझ लिया, ओके। अब आते हैं अपन इक्विलेटरल ट्राइंगल,
ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ट्रायंगल है तो थ्री साइड तो होंगी और थ्री साइड है और इक्वल इक्वल समझिए, आप लोगों को नेम से पता चलना चाहिए, ठीक है। मैं आप लोग ट्रिक भी बता रही हूँ कि जो नेम देखिए इक्वल इक्विलेटरल है तो इक्वल मीन्स थ्री साइड इक्वल होंगी। आई अब बात समझ में, थ्री साइड इक्वल, गॉट इट। इक्विलेटरल ट्रायंगल के थ्री साइड इक्वल मीन्स इसकी ऑल साइड इक्वल होंगी, ठीक है। ऑल साइड भी राइट कर सकते हैं, ओके। थ्री सेंटीमीटर मान लीजिए, थ्री सेंटीमीटर एंड थ्री सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या रहेंगी, ऑल साइड इक्वल रहेंगी, ओके। ऑल साइड इक्वल ही बोल सकते हैं इसकी। और यहाँ पे कोई भी मेजर हो सकता है, फोर फोर फोर, मीन्स अगर फोर की बनाओगे तो थोड़ा सा ज्यादा ज्यादा हो जाएगा, फाइव की बनाओगे तो तीन और फाइव फाइव की रहेंगी, मीन्स ये इक्वल होना चाहिए, तो वही इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, ओके। मैंने एग्जाम्पल भी देकर आप लोगों को बताया, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, क्वाड्रिलेटरल। अब ध्यान से समझिएगा, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल मीन्स, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसकी फोर साइड होती है। क्वाड्रिलेटरल मीन्स जिसकी फोर साइड होती है आर्म्स, ठीक है। कितनी साइड रहेंगी, फोर साइड रहेंगी, ठीक है। जो फोर साइड है वो तो क्वाड्रिलेटरल है ही, ठीक है। लेकिन इसके भी कई टाइप होते हैं। टाइप क्या है, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, रोम्बस हो सकता है, पैलरोग्राम हो सकता है एंड ट्रेपेजियम हो सकता है, ठीक है। ये किसके टाइप है, क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के टाइप है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, पॉलीगोन, ठीक है। नेक्स्ट है पॉलीगोन, पॉलीगोन अभी देखिए ये क्लोज फिगर होता है। पॉलीगोन कैसा होता है, क्लोज फिगर होता है और सिर्फ लाइन सेगमेंट से ही बना होता है, ठीक है। अगर मैं आप लोग अब एग्जांपल देख के बताएंगे, पॉलीगोन का मीन समझ आया, क्लोज फिगर होता है और लाइन सेगमेंट से बना होता है, ठीक है। मैं आप लोगों से इस तरीके से कोई भी फिगर आप लोगों को इस तरीके से बना दूं, और एक मैंने ऐसा इस तरीके से बना दिया। अगर मैं आप लोगों से बोलूं, ठीक है, मीन्स कैसा भी बना सकते हैं आप लोग अपने हिसाब से, वो तो बन गया, ठीक है। अब मैंने आप लोगों से, इनमें से कौन सा पॉलीगोन है, मैंने क्या बताया, आप लोगों को पता होना चाहिए, जो लाइन सेगमेंट से बना हो वही पॉलीगोन होता है, ठीक है। कुछ भी अगर इस तरीके से मैंने ये बना दिया, ठीक है, दिस इज पॉलीगोन बिकॉज लाइन सेगमेंट से बना है। कितनी लाइन सेगमेंट से बना है, थ्री लाइन सेगमेंट से बना है। कितनी लाइन सेगमेंट से बना है, थ्री लाइन सेगमेंट से, गॉट इट। अगर मैं इसको इस तरीके से बना दूं, दिस इज पॉलीगॉन बिकॉज ये तो लाइन सेगमेंट से बना है। कितनी लाइन सेगमेंट से बना है, फोर लाइन सेगमेंट से बना है, गॉट इट। समझ आया कि पॉलीगॉन क्या होता है, जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हो और इस तरीके से कोई भी फिगर होता है, जैसे कि ये भी बना हो इस तरीके से बना हो, कि ये बताइए क्या ये पॉलीगॉन हो सकता, नहीं हो सकता, बिकॉज इसमें लाइन ही नहीं है, ठीक है। ये लाइन सेगमेंट से नहीं बना, और इस तरीके से मैं बता दूं आप लोगों को, ठीक है, क्या ये पॉलीगॉन है, ये एक लाइन से मतलब नहीं है, ऑल साइड, ऑल साइड जो भी है, ठीक है, सिर्फ लाइन लाइन ही आना चाहिए, लेकिन इसमें लाइन भी आ रही है, सर्कल टाइप का ही है, तो ये नहीं हो सकता, ओके। नाउ वी हैव टू नेक्स्ट पार्ट, अभी देखते हैं फेसेस, एजेस और वर्टाइसेस क्या होता है, बस ये समझिए, ठीक है। अब जैसे कि कोई भी बॉक्स है, ठीक है, कोई भी बॉक्स है, ठीक है, फेस, फेस में जो सबसे आगे दिख रहा है, ठीक है, जो आगे दिख रहा है सामने, ये क्या होता है, फेस होता है, ठीक है। अब जैसे कि ये कॉपी है, ठीक है, आप लोग आ रही होगी कॉपी, ठीक है, जो सिर्फ आगे दिखेगा, जो सिर्फ आगे दिखेगा वो क्या होगा, फेस होगा। बॉक्स आप लोगों का कम बॉक्स होता है, जो सबसे ऊपर जो आपका ढक्कन देता है, ठीक है, जो ऊपर रहेगा वो फेस होता है, जो आगे आप लोग दिखेगा वही फेस होगा, ठीक है। एजेस क्या होती है, ठीक है, एजेस क्या होंगी, अब ये देखिए, एजेस, एजेस में जो ये लाइन लाइन दिख रही है आप लोगों को, सारी लाइन, ठीक है, सारी लाइन, लाइन लाइन क्या होती है, मिस कोई भी फिगर हो, जरूरी नहीं है मैं सिर्फ ये ही बॉक्स बना के बता रही हूँ, कोई फिगर, साइड मीन्स, सॉरी, एजेस मीन्स क्या होती है, ये एजेस होती हैं, ठीक है, जो लाइन रहती है वो आपकी एजेस रहेंगे, ठीक है। अपन आते हैं वर्टाइसेस पर, ठीक है, वर्टाइसेस क्या होते हैं, ये इस तरीके से मान लीजिए कोई भी बॉक्स है,
ठीक है, एनी कुछ भी हो सकता है। वर्टाइसेस मीन्स ये जो पॉइंट होती है ना, ये वर्टाइसेस रहेंगे, ठीक है। अभी इनको अपन काउंट नहीं करना है, मैं काउंट करके नहीं बता रही हूँ, सिर्फ सिंपली ये बता रही हूँ कि आप लोग ये पता होना चाहिए, इतनी नॉलेज होना चाहिए कि वर्टाइसेस होता है, एजेस क्या होती है, फेसेस क्या होता है। फेस आपको समझ, जो सामने दिखेगा वो फेस होता है, एजेस जो लाइन होती है वो सारी एजेस होती हैं, वर्टाइसेस क्या होता है, जो पॉइंट पॉइंट होते हैं ये वर्टाइसेस होते हैं। गुड इन आई होप आप लोगों को सारी चीज़ समझ आई होंगी, ठीक है। ये आप लोगों को इसी क्लास में नहीं, आगे वाली क्लास में भी काम आने वाली है, इसलिए आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझना है, ठीक है, एंड कॉपी पर राइट भी करना है। गुड इन, थैंक यू।